हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम टू अनदर डे। और ये देखो, सुबह हो गई है, बाहर बज चुके हैं पूरे 10 और हम रात में थोड़ा लेट सोए थे। वैसे ही आपको पता ही है, हम 12:30 बजे तो हमें होटल मिला बड़ी मुश्किल से, फिर हम 1 बजे तक सोए यहाँ पे आके, और रात में 3 बजे से इनको उल्टी स्टार्ट हो गई। इसने मेरे को उठाया 3:30 बजे, मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही थी, एकदम से बोली कि मेरे को उल्टी आ रही है, मेरे को पानी दे, ये दे। और मैंने इसे सुना दिया, मैंने कहा क्यों खाया था तूने, अगर तेरे को उल्टी आ रही थी, तेरे को वॉमिट हो रही थी। अब ये सो रही है थोड़ी देर, उसको हमने 2 दवाई दी है, अगर ठीक नहीं होगी तो हमें इसे इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है गैस्ट्रिक वाली। तो अभी तो इसको हम सोने दे रहे हैं, हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, फिर उसके बाद में नहा धो के हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। बाकी आगे का जो भी प्लान होगा वो आपको पता चल ही जाएगा थोड़ी देर में, लेकिन अभी के लिए इसकी हालत देखो बेचारी। तेरे को फीवर हो रहा है यार, ओ तेरे को फीवर हो रहा है, हाँ ना, तू बहुत ज्यादा गर्म है यार। गाइस, इतनी अच्छी जगह पे आए हैं तो इसका बीमार होना तो नहीं बनता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है ये ऐसे, मतलब कहीं धार्मिक जगहों पे आने के लिए, और यही बीमार हो जाएगी तो फिर मज़ा कैसे आएगा हमारी ट्रिप में। और बाहर देखो, लोग ना निशान चिन्ह जो यहाँ पे चढ़ाते हैं वो लोग कंटिन्यूसली कल रात भी जा रहे थे, आज भी जा रहे थे, देखो बाहर देखो। अब मौसम आज भी ख़राब ही है थोड़ा थोड़ा। ये खड़ी है हमारी गाड़ी, और ये ज़्यादा लोग नहीं है इस वाले होटल में, क्योंकि ये ना थोड़ा बाहर की साइड में, अंदर तो भाई इतनी भीड़ थी ना, हमें कल 2 घंटे लगे 10 किलोमीटर कवर अप करने के लिए, इतना ज़्यादा ट्रैफिक, इतना ज़्यादा, हद से ज़्यादा से कहते हैं। और देखो लोग कैसे पैदल जा रहे हैं, अभी सब पैदल ही जाते हैं, रिंगस तक आते हैं सब अपनी गाड़ी वाड़ी से, उसके बाद लोग प्रेफर करते हैं पैदल जाना। तो मैंने भी बोला हुआ है ये, और बहुत जल्द जब मेरी वो मनोकामना पूरी हो जाएगी तो मैं भी ये करने वाली हूँ, तो आगे फ्यूचर के ब्लॉग्स में आपको ये दिख जाएगा कि हम लोग भी ऐसी जर्नी कर रहे होंगे एक। और देखो ये झंडे लेके ये जा रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, देखो ये देखो ऐसे झंडे लेके जाते हैं यहाँ पे, ये निशान चिन्ह होता है जो चढ़ाना होता है, और ये आप तब चढ़ाते हो जब आपने आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तब आप चढ़ाते हो। तो आपको शायद ये 17 किलोमीटर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब 1 घंटे का रास्ता गाड़ी से होता है, वो कवर अप करना होता है पैदल, या फिर आपके ऊपर है आप कहाँ से बोलना चाहते हो, जहाँ से आप बोलते हो वहीं से होता है। तो अभी शौर्य नहा रहा है, शौर्य नहा लेगा, उसके बाद हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि वो हो रहा है ठंडा वहाँ पे नीचे लगा हुआ है, और फिर अब नहा धो के फिर हम जाएंगे आगे। उसके बाद हमारा प्लान है घर जाने का, हम घर निकल जाएंगे, क्योंकि कल से मुझे ऑफिस जाना है, इसको अपने काम पे जाना है, सब अपने अपने काम पे चले जाएंगे। तो ये हमारी अनप्लान ट्रिप थी, जो कि हमने बिल्कुल भी प्लान नहीं की थी, इसमें लास्ट मोमेंट तक भी यही हो रहा था कि हो जाएंगे या नहीं जाएंगे। नालिया ऐसे घुमा दो कैमरा एक बार, तैयार हो जल्दी, वो नीचे वेट कर रहे हैं हमारा, इसलिए मैंने इसका कोई ब्लॉग स्टार्ट नहीं करा था। और मेरा ये प्लान था कि रिलैक्स करने का मेरा मन था कि ब्लॉग ना करूं, बट अब तो आदत सी है मुझको ऐसे कैमरा उठा के घूमने की, तो मेरे से रहा नहीं गया फिर उसके बाद, तो मैंने सोचा चलो ठीक है स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी थोड़ा थोड़ा मैंने बीच में शूट कर लिया था, कल तो हम लोग आए थे, हम पांडुपोल गए थे, बहुत प्यारी जगह है एकदम, मज़ा आया वहाँ जाके। टाइगर नहीं दिखा बस हमें, कितने टाइगर बता रहे थे, 30 टाइगर है वहाँ पे, यहाँ पर ये हो गया था कि यहाँ पे दिखेंगे क्योंकि आज रश ज्यादा था ना, हाँ ये वाले रीजन, बट वो जंगल सफारी के लिए ना वो जगह बहुत बेस्ट है यार। कल इतने ज्यादा हमने बारहसिंगा और सांबर वाले जो डियर होते हैं वो इतने ज्यादा देखे ना हमने, मजा आ गया हमें कल, इतने सौरभ बिल्कुल पास पास में, एकदम मतलब नेचर के एकदम करीब, और वो क्या 11 किलोमीटर्स का था पूरा जंगल सफारी, सिर्फ ट्यूसडे और सैटरडे आप अपनी गाड़ी से कर सकते हो, अदरवाइज आपको ना वहाँ पे जिप्सी वगैरह वो हायर करनी पड़ेगी बाकी के डेज में अगर आप आओगे। बहुत बेस्ट जगह है, अगर आप आना चाहते हो तो आ जाओ, क्योंकि वो अनडिस्कवर्ड है अभी भी। मत फिसलना, आराम से आराम से चलो, एकदम प्यार से। चार अभी तो चार है, अभी चार है। 6 कर दूंगा बटन, हाँ तो पर बड़े हो जाएंगे, तो मैंने कहा नहीं छोटे-छोटे बटर बोल दो उसको, ले आ गए वो मेरे एक का फ्री कर दी, रेस्टोरेंट हो गया है, एमरजेंसी में यही काम आया है। क्या इमरजेंसी नहीं, तू ही ले रख, सो ले तो क्या रह गया, वो
दस रुपए की तुर तुर खाएगी ना, कुरकुरे मैंने कुरकुरे अब ठीक है। हाँ, लेकिन बस वीकनेस है यार। फिर इलेक्ट्रोल ले लेंगे ना, उससे फिर आराम लगेगा, चल पाएगी हैं? चल तो लूंगी, दर्द तो नहीं है। अंडर लाइन में लगना पड़ेगा फिर, तो भी कर तो है ना, मेरा सहारा, हारे का सहारा, खाटू आलू हमारा, खाटू आलू। गर्मी हो रही है काफ़ी, काफ़ी गर्मी हो रही है, कल बारिश होने के बाद आज गर्मी है, धूप तो हो ही रही है, धूप के साथ साथ गर्मी भी हो रही है। फिर गाड़ी में धूप का उठ रहा है, आगे देखते हैं आगे क्या। ये दिखा रखा था इन्होंने वेबसाइट पे कि पीछे इनके गार्डन भी है, लेकिन पता भी नहीं था। लेकिन हम रात में एक बजे आए थे तो हमें रात में गार्डन गार्डन गूडन नहीं, हमें सिर्फ बेड दिख रहा था कि बेड दिखा दो बस। ऊपर से आपकी ये था ना तुम्हारा रूम। हाँ यार, मैं तो किश्तों में सोई EMI पे। इस बार मैंने सोचा था कि अपने दोनों वीक ऑफ पे ना जल्दी नहीं उठनी, सुबह चाहे कुछ भी हो जाए और दोनों पे ही जल्दी उठनी। धूप हो रही है, कोई नहीं, धूप तो होगी। मंदिर भी है इसमें, वाह यार मंदिर तो अच्छा है, है ना, मंदिर तो यार काफी अच्छा है, तो पता ही। चलो ना फोटो क्लिक कराते हैं, फिर बताती लो करते हैं जरा उसको। उनके लिए जो लोग जैसे दो चार दिन पहले से रहे, है ना, तो एक दिन में क्या ही वो कर लिया भाई, काफी बढ़िया अनार लगे हुए हैं यार, एकदम मोटे मोटे अंदर अंदर, क्या ही करेंगे, कैसे खाएंगे, तोड़ देंगे, कहीं से कटवा लेंगे। अभी जब अगर फिर से कभी आना होगा ना और यहीं पे अगर स्टे करना होगा तब तक ये और अच्छा बन गया होगा। फिर रघुनंदन श्री रघुनाथ बिहारी जी श्यामलाल खाटू, इतना बड़ा नाम है क्या पंडित जी? तो क्या हुआ, चप्पल इधर उतारो ना, चप्पल तो उतारनी, चप्पल पूरी खत्म गा। चलो बेटे चलो, बीमार इंसान, चलो ऐसा ही हमें हाथ में झंडा लेकर इसे चले जाने दो ट्रक में। फिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, बारिश का बहाना। क्या है इन चप्पलों का? 600 की है, 450 की है। हाँ तो ये तो टूट जाएगी ना, बजेगी, बट ये दिखने में सुंदर है ना, इसलिए इससे अच्छा था हार ही दे देते, ले लेते। पर हमें तो जीत चाहिए, हम हार का क्या करेंगे।
कौन सी कॉफी पीने आया था तू? कॉफी का नेम कोल्ड कॉफी है। यहाँ पे फोटो अच्छा आएगा तेरा। यहाँ हम रुके भी थी रात को। कब? पापा ही मार। आनंद आ गया जब वहाँ से आए ना। हैप्पी बर्थडे। जिन जैसे मौसी में लग रहा है। हम बे ये अरेंज कर रहे हैं। ये आयुषी दीदी का दिमाग चला हुआ है तुमने। जाना उधर खड़ी हो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. भाई जोर से गाओ। Happy birthday to you. तेरे पेट में ज्यादा दर्द है, तू ज्यादा खा। इतना खा कि पेट में दर्द की लिए जगह ही ना बचे। गलत लगा रहा है यार छोर रहे। इसने बहुत सही चांस के लिए बाप। दो दो शॉट मार दियो तीनों। अब भी और बचू। दोबारा कुछ अभी।